क्या आप जानते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां के सैकड़ों बंदर आज भी उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे शिमला के मशहूर जाखू हनुमान मंदिर के बारे में, जहां पे हनुमान जी संजीवनी पर्वत की खोज में आए थे। त्रेता युग में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उन्हें बचाने का एकमात्र उपचार था संजीवनी बूटी। उस समय हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का जिम्मा उठाया और उसकी खोज में निकल पड़े। संजीवनी की तलाश में हनुमान जी जब आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, तब उन्हें जाखू पर्वत पर कुछ ऋषिगण तप करते दिखे। संजीवनी बूटी का पता पूछने के लिए हनुमान जी पर्वत पर उतरे। वहां उनकी भेंट याखू ऋषि से हुई, जिन्होंने हनुमान जी को बताया कि संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी। उन्होंने हनुमान जी से कुछ समय विश्राम करने के लिए भी कहा, किंतु हनुमान जी ने उत्तर देते हुए कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तब हनुमान जी ने याखू ऋषि को वचन दिया कि वापस लौटते समय वो उनसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे। उसके बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की ओर चल दिए और उनके साथी बंदर वहीं विश्राम करने के लिए रुक गए। हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी भूटी ढूंढने में काफी समय लग गया। इस वजह से हनुमान जी को वापसी में छोटा मार्ग लेना पड़ा और वो याखू ऋषि से मिले बिना ही लंका चले गए। उधर जाखू पर्वत पर ऋषि असमंजस में पड़ गए कि हनुमान जी लौट कर आए क्यों नहीं, पर हनुमान जी अपने वचन के पक्के थे, इसलिए वो जाखू में स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए और इस प्रकार उन्होंने याखू ऋषि को दर्शन दिए। श्री हनुमान जी महाराज का मुखमंडल बानर के समान है, परंतु श्री हनुमान जी महाराज साधारण बानर ही नहीं, बानर की जाति के नहीं है, अथवा वो बानर नहीं है। भगवान श्री राम की सेवा के लिए राम जी के अवतार काल में ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं ने ही बानर का रूप धारण किया था। सूर्य भगवान ने सुग्रीव के रूप में अवतार लिया, इंद्र ने बाली के रूप में अवतार लिया, विश्वकर्मा ने नल के रूप में अवतार लिया और पवन देवता श्री हनुमान जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। आज भी बानरों को लोग देखते हैं तो भगवान श्री राम की उस सेना का, राम जी के उन परिकरों का लोगों को स्मरण होता है, इसलिए बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग बानर को भी हनुमान जी की भावना से ही प्रणाम करते हैं। वर्ष 2010 में एक भक्त ने यहाँ पर 108 फीट की विशाल और भव्य मूर्ति बनवाई, जो शिमला के हर कोने से दिखाई देती है और यहाँ की सुंदर वादियों का दृश्य और भी अलौकिक बना देती है। त्रेता काल से जाखू मंदिर में हमेशा सैकड़ों बंदर रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सभी बंदर हनुमान जी के साथी हैं, जो त्रेता युग से यहाँ रह रहे हैं और हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय बजरंग बली। श्री सीता राम चंद्र भगवान की।